All right. So yesterday we started with the concept of relationship among TR, AR and MR. अब बेटे ये जो relationship है तीन concepts में, total revenue, average revenue and marginal revenue, ये depend करती है कि जो हमारी firm है जिसका हम TR, AR और MR का relationship find out करने जा रहे हैं, वो फर्म कौन सी मार्केट फर्म में एग्जिस्ट करती है. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मार्केट फर्म्स. वन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड अनदर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो इसका मतलब हमारी फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी एग्जिस्ट कर सकती है, मोनोपोली में भी एग्जिस्ट कर सकती है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी एग्जिस्ट कर सकती है. तीनों मार्केट सिचुएशंस में जो रिलेशनशिप है टीआर, एआर और एमआर में वो डिफरेंट रहेगा. So let's start with the market form of perfect competition. ये कैसी market form है, इसके क्या salient features है, हमें कैसा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमारी firm perfectly competitive market में exist कर रही है. तो बेटे अगर market में large number of buyers और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी भी कमोडिटी मार्केट की बात कर लेते हैं, अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स आर वेरी लार्ज एंड नंबर ऑफ सेलर्स इज आल्सो वेरी लार्ज. ठीक है, एंड ऑल दी सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. होमोजीनियस का मतलब क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी एक सेलर के प्रोडक्ट को दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना अगर डिफिकल्ट रहता है. ठीक है, अगर एक सेलर्स जो है अपने अपने प्रोडक्ट के, दे आर पुटिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन डिस्प्ले, ये ए का प्रोडक्ट है, ये बी का प्रोडक्ट है, ये सी का प्रोडक्ट है, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है, ये सब उनके प्रोडक्ट्स पड़े हैं. तो अगर हम इनको शफल कर दें, ए की जगह ई का रख दें, डी की जगह एफ का रख दें, सी की जगह जी का रख दें, और इनको नेक्स्ट डे आके पता ना चले कि हमारा प्रोडक्ट शफल हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं, पता ही नहीं चल रहा, डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं. ठीक है, तो ऐसी मार्केट फॉर्म जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर हैं और सारे सेलर एक जैसा प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं और सेम प्राइस पर बेच रहे हैं, यानी अगर यहां पर प्राइस जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, तो अगर मार्केट फोर्सेस के थ्रू प्राइस फिक्स हुआ 10 रुपए, तो सारे सेलर अपना प्रोडक्ट 10 रुपए पर ही बेचेंगे. ठीक है, कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं कर सकता. हेयर द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है. और नेचुरली जो प्राइस फिक्स हो गया, जो इंडस्ट्री ने फिक्स किया, वही सारे सेलर्स उसी प्रोडक्ट पे अपना प्राइस बेचेंगे. ठीक है, और देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन दिस मार्केट सिचुएशन, यानी इस मार्केट फॉर्म में कोई भी नया सेलर एंटर कर सकता है, कोई उसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और कोई भी पुरानी फर्म एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को छोड़ के, कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकती है, उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो
तो ऐसी मार्केट फॉर्म जिसमें ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं उसको कहा जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अदरवाइज इट इज एन अनरियलिस्टिक मार्केट फॉर्म, बट टू थ्री एग्जाम्पल स्टिल वी कैन फाइंड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, फार्मर्स इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स है, यानी सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है. हम सब फार्मर्स के प्रोड्यूस की डिमांड करते हैं, ठीक है. सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. ऑल ऑफ देम आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. अगर हम वीट मार्केट की बात करें तो सारे फार्मर्स जो वीट बेच रहे हैं उन सबकी वीट की प्रोड्यूस एक जैसी है. अगर आप यहाँ पर वीट की ढेरियां लगा दो, ठीक है, और आप इनको शफल कर दो, ए का इधर रख दो, बी का इधर रख दो, तो उसको नहीं पता चलेगा कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो शफल हुआ है, यानी दे आर डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट. एंड वीट का प्राइस इंडस्ट्री फिक्स करती है, मार्केट फोर्सेस से फिक्स होता है. जो प्राइस फिक्स हो गया, सारे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, सेम प्राइस पे बेच रहे हैं. कोई भी फार्मर छोड़ के जा सकता है खेती बाड़ी, और कोई भी नया पर्सन खेती बाड़ी में एंटर कर सकता है. तो ऐसी मार्केट सिचुएशन को कहा जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है. अब हम करेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग पीआर एआर एंड एमआर इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन. तो उसको हम एक पहले टेबल की एग्जाम्पल से समझाएंगे, उसके बाद हम उसको डायग्राम से समझाएंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट सोल्ड कॉलम्स बनाएंगे हम. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टी आर निकालना है तो सबसे पहले आपको आउटपुट सोल्ड, सो लेट अस से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स तक मैंने ले लिया. एवरेज रेवेन्यू और प्राइस रुपीस की टर्म में ले लिया, ठीक है. सो से 10 रुपीस प्राइस वीट का फिक्स हुआ, तो आप एक यूनिट बेचोगे वो भी 10 रुपए का बेचोगे, दो यूनिट बेचोगे वो भी 10 रुपए पर यूनिट पे बेचोगे, तीन का प्राइस भी 10 रहेगा, चार का भी प्राइस 10, पांच का भी 10 और छह का भी 10. Now, let us see what is the total revenue. How do we calculate total revenue? Price multiplied by quantity sold. So, 1 into 10, 2 into 20, 3 into 10, 4 into 10, 5 into 10, 6 into 10. ये हो गया आपका total revenue. अब, marginal revenue. Addition made to the total revenue when one more unit of the output is sold. 10 minus 0, 20 minus 10, 30 minus 20, 40 minus 30, 50 minus 40, 60 minus 50. ठीक है, ये हो गया आपका marginal revenue. Now, if you have written, let us analyze it. लिख लिया आप सबने, ये टेबल बना लिया. लेट अस एनालाइज दिस टेबल. फ्रॉम दिस वी कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग 10, 20, 30, 40, 50, 60. पहली बात आपने ये देखनी है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है. दूसरी बात आपने देखनी किस रेट पे बढ़ रहा है. देखो किस रेट पे बढ़ रहा है, 10 रुपए, 10, 10, 10, 10. Every time it is increasing by a constant amount. क्या है टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू टोटल सेल प्रोसीड्स हैं आपकी. तो अगर आपने एक पेन 10 रुपए का बेचा, आपके पास 10 रुपए आए. दूसरा पेन भी 10 रुपए का बेचा तो आपको 20 रुपए आएंगे आपके पास, टोटल 20 हो जाएंगे ना. तीसरा पेन भी 10 का बेचा तो आपके अब गल्ले में कितने पैसे पड़े होंगे, 30 रुपीज. चौथा भी 20 का बेचा, अब कितने पड़े होंगे, 40 रुपए. यानी आपकी जो टोटल सेल प्रोसीड्स हैं वो सेल के साथ बढ़ती जाएंगी, और हर बारी कितनी बढ़ेंगी, कांस्टेंट रेट से बढ़ेंगी. सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू. हियर टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है. अब हम बिहेवियर देखते हैं एवरेज रेवेन्यू का. एवरेज रेवेन्यू प्राइस है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट.
क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इंडस्ट्री डिटरमिन करती है, सो प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आप कोई भी आउटपुट एग्जिस्टिंग प्राइस पर बेच सकते हो. इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू दैट इज प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब बात आती है मार्जिनल रेवेन्यू की. मार्जिनल रेवेन्यू एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू. सो बेटे जब आपने एडिशनल यूनिट बेचा ही हर बारी 10 रुपए का है, तो हर बारी आपके जो टोटल रेवेन्यू है उसमें एडिशन भी 10 रुपए की ही होगी, यानी किसके बराबर, प्राइस के बराबर, है ना. तो इसका मतलब MR विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इट विल बी इक्वल टू AR. MR इज कॉन्स्टेंट. जो फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एग्जिस्ट कर रही है उसका जो MR कर्व, MR है मार्जिनल रेवेन्यू है, यानी एडिशनल रेवेन्यू जो वो जनरेट कर रही है एडिशनल यूनिट को बेच के, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, एंड इट विल बी सेम एज दैट ऑफ एवरेज रेवेन्यू. ऑफ कोर्स प्राइस के बराबर रहेगा. अगर आपने एडिशनल पेन 10 रुपए का बेचा तो एडिशन 10 रुपए की ही होगी ना, विच इज इक्वलेंट टू प्राइस. ठीक है, ये हमने टेबल को देखा कि इससे हमें ये पता चला अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन टी आर कर्व बाद में बात करते हैं. टी आर इंक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट रेट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू आर कॉन्स्टेंट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, अब इसी का हम कर्व बनाएंगे. हमें 3 कर्व्स बनाने हैं, टी आर, ए आर एंड एम आर. तो जो कर्व्स बनाने होते हैं उनको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, टी आर, ए आर, एम आर, और ये किसके बेसिस पर बनाने, आउटपुट सोल्ड. एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, आउटपुट सोल्ड. तो हमने यहाँ पे 6 तक लिया है, तो 6 पॉइंट्स मार्क कर लेती हूं मैं. और इधर हमें क्योंकि AR कर्व बनाना है जो कि 10 है हर बारी, MR भी 10 है, TR 60 तक जा रहा है, 10 का स्केल इजीली हम ले सकते हैं. इसमें कोई देयर इज नो अनदर, यू नो, नो नीड टू गिव अ थिंकिंग अबाउट इट. दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमको 10 का ही स्केल लेना है. आप एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसी एक्सिस पर हम तीनों कर्व्स बनाएंगे, TR, AR एंड MR. नोटबुक में बेटे बनाते जाना है, डोंट बी नेग्लिजेंट कि आप बाद में बना लोगे. डायग्राम के बिना ये आपको ऐसे इकोनॉमिक समझ में नहीं आ सकती है, खुद जब तक आप बनाएंगे नहीं तो. ठीक, ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल AR कर्व, वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड, टी ए आर इज 10. व्हेन सेकेंड यूनिट इज सोल्ड अगेन, ए आर इज 10, 10, 10, 10, 10. Join these, you get AR curve. What is the shape of AR curve? Can you tell me? Iski kya shape bani AR curve ki? It's a horizontal curve. Theek hai? It is a horizontal curve. Straight line parallel to x-axis. ठीक है, यस हर्षिका किंजल, वेरी मच राइट. हॉरिजॉन्टल कर्व है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है ऐसा कर्व? ये इम्प्लाई करता है यू कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट एट सेम प्राइस. 10 रुपए पे आप जितनी मर्जी आउटपुट बेच सकते हो. ठीक है, अब टी आर एम आर कर्व देखते हैं. एम आर कर्व, एक यूनिट बेचा तो 10, दूसरा बेचा तो भी 10, सेम, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. ये हमारा एम आर कर्व बिल्कुल सेम है, तो हम यहां पे लिख देंगे ए आर इक्वल टू एम आर.
ठीक. सो व्हाट इज द शेप ऑफ एम आर कर्व? इट इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल कर्व, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एम आर इज इक्वल टू ए आर. बोथ कर्व्स को इनसाइड. ठीक है. नेक्स्ट बेटे टी आर कर्व ड्रॉ करते हैं. जब हमने एक यूनिट बेचा तो टी आर टोटल रेवेन्यू हमारा है 10. सो इवन दो आई हैव नॉट ड्रॉन, आई हैव नॉट रिटन जीरो हियर, बट स्टिल आई विल टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग, जब आप जीरो यूनिट बेचोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना होगा बताइए. मैंने कोई पेन नहीं बेचा तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा? जीरो रहेगा. तो इसका मतलब जीरो पे जीरो ये भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, वन पे 10, टू पे 20, थ्री पे 30, फोर पे 40, फाइव पे 50, सिक्स पे 60. इन सबको ज्वाइन कर दीजिए, ये कर्व आ गया हमारा टी आर कर्व. This is a TR curve. It's an upward sloping curve. ठीक है. इसके फीच देखते जाओ, इसकी शेप क्या है. सबसे पहले स्लोप देखते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग है. फिर देखते हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, विच मीन्स TR इंक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट रेट. ये ना ये स्ट्रेट लाइन है, ये ना तो कनकेव है ना कॉन्वेक्स है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि ये शो कर रहा है कि टी आर इंक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट रेट. अगर ये कनकेव होता तो ये शो करता कि ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है. अगर ये कॉन्वेक्स होता तो ये शो करता कि ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है. लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या शो करता है, द टी आर इज इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट. ठीक है. तो इन दोनों के बेसिस पर सबसे पहले हम लिखते हैं नीचे रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर. रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर. नंबर वन, सिंस the price of commodity remains same, since price of commodity remains same, that is MR is constant, sorry AR is constant, that is AR is constant, therefore TR increases at the same rate. TR increases at the same rate. ठीक है. क्योंकि प्राइस कॉन्स्टेंट है, AR कॉन्स्टेंट है, MR भी कॉन्स्टेंट है, तो इसीलिए जो TR है इट इंक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट रेट. सेकेंड, TR कर्व. अब कर्व की बात करते हैं. TR कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन. TR curve is a positively sloped straight line forming an angle of 45 degrees. Forming an angle of 45 degrees at the origin. Third, TR curve passes through the origin. TR curve passes through the origin as TR is zero at zero level of output. TR is zero. जब दोनों variables की value zero है तो curve origin से start होगा. तो यहां पे zero unit बेचे तो total revenue zero हुआ. ठीक है. सो टी आर कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन एज टी आर इज जीरो
at zero level of output. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर. अब हम मैंने देखा रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर, ठीक है. तो अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर. नंबर वन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड at the same price. In perfect competition, any amount of output can be sold at the same price. Therefore, TR increases at the same rate. बेटे perfect competition में हम कोई भी amount same price पर बेच सकते हैं, ठीक है. देयरफॉर टीआर इंक्रीजेस एट द सेम रेट. अब इसका मतलब टीआर सेम रेट पे बढ़ेगा, तो वही बात हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टीआर सेम रेट पे बढ़ेगा तो इसका मतलब एमआर एआर के इक्वल होगा, इंप्लाइंग एआर इज इक्वल टू एमआर. Implying AR is equal to MR. Second, अब कर्व की बात करते हैं, तो AR and MR curves. Okay, sure, I will repeat. बेटे in perfect competition, any amount of output can be sold at the same price. Therefore, PR increases at the same rate. Implying AR is equal to MR. हम रिलेशन करें ना AR और MR के बीच में, ठीक है. तो क्योंकि AR कांस्टेंट है, इस प्राइस पे कितनी भी मर्जी बेच सकते हैं, तो इसका मतलब टी आर कॉन्स्टेंट रेट पे पड़ेगा, इसका मतलब कि ए आर विल बी इक्वल टू एम आर. सेकेंड, ए आर एंड एम आर कर्व्स, अब कर्व्स पे आ जाते हैं, ए आर एंड एम आर कर्व्स को इनसाइड, ए आर एंड एम आर कर्व्स को इनसाइड इन अ हॉरिजॉन्टल in a horizontal straight line curve, in a horizontal straight line curve parallel to x-axis, parallel to x-axis. ठीक है, so ये आ गई relationship. उसके बाद एक note लिख लीजिए नीचे, note. AR curve of a firm, AR curve, जो firm का AR curve है उसको हम demand curve भी कहते हैं, is known as demand curve. AR curve is also known as demand curve, reason being both the curves give relationship between price and quantity. Price and quantity, दोनों curves बेटे किस में relationship बताते हैं, price में और quantity के बीच में. Demand curve भी तो यही बताता है ना, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप. एआर कर्व भी यही बता रहा है कि किस प्राइस पे एक फर्म कितना बेच रही है, तो उतना ही बेचेगी जितनी उसकी डिमांड है. तो डिमांड कर्व और एआर कर्व जो है वो सेम है. क्यों? क्योंकि जो दोनों कर्व्स हैं वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में.
दैट इज आगे लिख लो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन. क्वांटिटी सोल्ड बाय द सेलर एट अ गिवन प्राइस. क्वांटिटी यहां पे क्वांटिटी सोल्ड है बाय द सेलर एट अ गिवन प्राइस. ब्रैकेट में लिख लो ए आर कर्व हो गया. ए आर कर्व एंड क्वांटिटी बॉट बाय द बायर एट अ गिवन प्राइस. ये क्या हो गया डिमांड कर्व. ब्रैकेट में लिख लो डिमांड कर्व. अब हम करेंगे रिलेशनशिप अमंग पी आर ए आर एंड एम आर इन मोनोपोली. अब उसमें हमने ब्रैकेट में लिखा था व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. मोनोपोली में प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता तो क्या लिखेंगे व्हेन प्राइस फॉल्स. व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट. व्हेन price falls with rise in output. ठीक है ये मोनोपोली के बारे में मोनोपोली की सिचुएशन है लेकिन आपको नहीं मालूम मोनोपोली कौन सी मार्केट सिचुएशन होती है. सो दिस वी विल डिस्कस टुमोरो व्हाट इज मोनोपोली एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग टी आर ए आर एंड एम आर इन केस ऑफ मोनोपोली. ठीक है अभी फर्दर मैं अभी नहीं करा रही हूँ आज कल करेंगे. तो आप कोई डाउट है तो यू कैन टेक.